वैसे तो इंडिया में बहुत सारे 350 cc बाइक्स बिकती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं वो सब बाइक्स, लेकिन सबसे मॉडर्न रेट्रो लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल, स्मूथ, रिलायबल, लुक्स में भी है बहुत ही ज़्यादा अलग, जो है होंडा CB350 RS। और आज के वीडियो है इसी बाइक के बारे में। सबसे पहले तो पहुंच गए बहरमपुर होंडा बिग विंग, जहाँ पे आप भी कोई 300 से लेके कोई भी ऊपर की बाइक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे सर्विस सेल्स का जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये बाइक और रहते हैं बहरमपुर मुर्शिदाबाद में, तो आप इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस बाइक की लुक्स को। बेसिकली अगर बोला जाए तो ये बाइक CB350, मतलब वही 350 cc इंजन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मिलती है हाइनस 350, CB350 और ये वाली RS350। बेसिक चीज़ों को अगर देखा जाए इंजन या फिर फीचर्स में, मैक्सिमम चीज़ तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लुक्स, कॉस्मेटिक चेंजेस और राइडिंग पोस्चर में और भी थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर देखने को मिलता है। लुक्स में अगर देखेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे इसकी हेडलाइट को, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुकिंग के साथ आती है। रेट्रो है लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न भी है। यहाँ पे फुल LED सेटअप का यूज़ किया गया है, उसके साथ इंडिकेटर्स जो है थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड में दिया गया है। उसके बाद अगर हैंडल बार को देखेंगे, ये हैंडल बार एक सिंगल यूनिट हैंडल बार है और ये थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप की हैंडल बार है, जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस मिल जाती है। इसमें हैजर्ड लाइट का भी ऑप्शन है। पर्टिकुलरली इस बाइक को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेसरीज का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है, जैसे कि ये हैंड गार्ड या फिर नकल गार्ड जो आप देख रहे हैं, ये एक्सेसरीज है, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें जो रियर व्यू मिरर्स है, ये थोड़ा सा छोटा है देखने में लेकिन इसका काम बहुत ही अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन और बाकी सारे फीचर्स को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे है हॉर्न और सबसे नीचे मिलती है इंडिकेटर्स की बटन, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है बाकी सारे बाइक के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। दूसरे साइड में अगर देखेंगे तो ऊपर मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और उसके नीचे मिलती है हैजर्ड लाइट का बटन, जो बहुत ही टेक्टाइल बटन है और ये देने से आपको थोड़ा बहुत फील भी होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यूज़ किया गया है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है वो ठीक ठाक मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे लगभग मिल जाता है, लेकिन जो डिजिटल डिस्प्ले है ये थोड़ा सा छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको चलाएंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे और उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी के अंदर मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। फ्रंट में मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जहाँ पे गेटर कवर या फिर एक छोटा सा रबर का कवर दिया गया है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और इस बाइक की लुक को थोड़ा सा रगिड बनाती है। सामने की तरफ जो टायर मिलती है वो है 190/19 सेक्शन की टायर और ये थोड़ा बहुत अलग है अगर आप बाकी सारे CB मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे। और पैटर्न का जो यूज़ किया गया है वो थोड़ा स्क्रैम्बलर टाइप की लगती है, देखने में तो लुक अच्छा है ही, और उसके साथ साथ जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा है, रोड ऑफ रोड दोनों के लिए ही। थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऑफ रोड आप इसके साथ कर सकते हैं। सामने 310 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जहाँ पे निशन कैलिपर्स है और पीछे में भी है निशन कैलिपर्स। पीछे के अगर टायर साइज की बात करें तो ये है 150/70/17 व्हील बेस के साथ आती है और यहाँ पे जो दोनों ही साइड में टायर कॉम्बिनेशन मिलती है ये बहुत ज़्यादा अलग है बाकी सारे CB मॉडल के साथ। और 150 मतलब बहुत मोटा टायर यहाँ पे दिया गया है और इसका पैटर्न भी वही सेम है जो फ्रंट में मिलती है। जो ओवरऑल लुक है इस बाइक की वो इस टायर के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ट्यूबलेस टायर, एलॉय व्हील, ये सब मिलने के कारण और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है ये बाइक लॉन्ग रूट्स के लिए या फिर आप कहीं पे भी बहुत अच्छी तरीके से इसको चला सकते हैं। ओवरऑल डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो 179 kg वेट की है ये बाइक। सीट हाइट है 800 mm। अगर आपकी हाइट है 5'8" या फिर उससे ज़्यादा तो बहुत आसानी से आप इस बाइक को चला सकते हैं। उससे कम भी अगर होगा तो भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं होगा, लेकिन 5'8" से ऊपर होने से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm की। इस बाइक के कलर ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये है स्पोर्ट रेड, इसके साथ और भी 4 ऑप्शन, मतलब टोटल 5 कलर ऑप्शन आती है, जो है मैट मैसिव ग्रे मेटेलिक, रेडियंट रेड मेटेलिक, ब्लैक विथ पर्ल स्पोर्ट्स येलो, ये वाली स्पोर्ट्स रेड और एथलेटिक ब्लू मेटलिक मिलती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी
भी है। फ्रंट में जो मडगार्ड का यूज़ किया गया है ये थोड़ा छोटा सा है, ये काम के लिए उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एक फील देता है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल हॉर्न ऑप्शन ही मिलता है, यहाँ पे कोई भी डुअल हॉर्न का ऑप्शन नहीं है। वो अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं अलग से आफ्टर मार्केट। सीट को अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडर पिलियन दोनों के लिए ही, और ये बहुत ज़्यादा वाइड भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइडर पिलियन दोनों के लिए जगह भी है सफिशियंट, लेकिन पीछे में अगर देखेंगे तो कोई भी बैकरेस्ट नहीं है प्रॉपर, तो ये थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे आफ्टर मार्केट और कंपनी के तरफ से ही बहुत सारे ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन वो अगर आप लगाएंगे तो शायद बाइक का लुक थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। पीछे के साइड में अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ है इसका पीछे का पोर्शन, और टेल टाइडी की तरह ही है थोड़ा सा प्लास्टिक की पार्ट, और बैकलाइट पूरी तरीके से LED में मिलती है जो देखने में भी बहुत अच्छा है, और वही इंडिकेटर्स मिलती है यहाँ पे भी, वही स्पोर्ट्स वाली इंडिकेटर जो फ्रंट में भी मिलती है। लाइट और हैजर्ड लाइट पूरी तरीके से ऑन करने के बाद इस बाइक को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है। और 350cc सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ये बाइक पर्टिकुलरली RS 350 बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और सबसे अलग टाइप से दिखती है। इंजन की अगर बात किया जाए तो 348.6cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है इस बाइक में, और इस इंजन से मैक्स पावर 20.78 BHP जो मिल जाती है 5500 RPM पे, और 30 Nm की टॉर्क मिल जाती है जो मिलती है 3000 RPM में। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क की इंजन है, और अगर रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे पावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा मिल जाती है। ओवरऑल जो माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से वो है 36 किलोमीटर पर लीटर की, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है, लगभग 40-45 तक माइलेज मिल जाती है बहुत ही आसानी से। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। 5-speed गियर बॉक्स है, और स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाती है, जहाँ पे क्लच का फील बहुत अच्छा है और गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। और ये एक नई बाइक है, मतलब यहाँ पे E20 का भी सपोर्ट ऑब्वियसली मिल जाती है। ब्रेकिंग की अगर बात किया जाए तो सामने की तरफ मिलती है 310mm की डिस्क ब्रेक, और पीछे मिल जाती है 240mm की डिस्क ब्रेक, और यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिल जाती है ऑल अक्रॉस द वेरिएंट्स, मतलब सभी वेरिएंट में मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी सिंगल चैनल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और निसन के कैलिबर्स मिल जाते हैं, मतलब ब्रेकिंग में भी बहुत अच्छा खासा फीडबैक आपको मिलेगा। बाकी आप ओवरऑल इस बाइक की लुक को देख सकते हैं, और मिडिल में यहाँ पे जो RS का बैजिंग दिया गया है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। उसके साथ साथ टैंक के ऊपर जो होंडा का 3D एक क्रोम पार्ट दिया गया है वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप माने या ना माने, होंडा की जो बाइक्स है 350cc सेगमेंट में, ये बाकी सारे बाइक के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। फुटपेक्स की अगर बात किया जाए ये थोड़ा सा रेयर साइड में दिया गया है, और जो गियर शिफ्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इस बाइक के लिए स्पोर्टिनेस को बरकरार रखने के लिए सिंगल गियर शिफ्टर दिया गया है, मतलब कोई भी हील एंड टो शिफ्टर नहीं है इस बाइक में, और ओवरऑल लुक आप इस बाइक का देख सकते हैं। पीछे में अगर सस्पेंशन की बात किया जाए तो यहाँ पे डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिल जाती है, लेकिन काम बहुत अच्छा है इस बाइक की। ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सा हार्डर साइड में, क्योंकि इसको एक स्पोर्टी बाइक बनाया गया है इसलिए, लेकिन ओवरऑल फीडबैक बहुत अच्छा है और रोड स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इंजन का जो कलर है वो ब्लैक में दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डायमंड कट का भी, मतलब डायमंड कट लुक का भी यूज़ किया गया है। ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा मैट में और थोड़ा सा है ग्लॉसी में, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बाइक में जो एग्जॉस्ट दिया गया है ये भी है पूरी तरीके से मैट ब्लैक कलर में, थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसको दिया गया है, और इसका साउंड भी है बहुत ही बढ़िया जो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। एक्सेसरीज़ की अगर बात किया जाए तो आफ्टर मार्केट तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ मिल जाता है अभी के टाइम में होंडा के बाइक्स के लिए,
लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के साइड से ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज अवेलेबल है। फ्रंट में बहुत सारे टाइप्स की वाइजर मिल जाती है, जिसमें से कुछ है स्पोर्टी, कुछ है स्क्रैम्बलर लुक के साथ, और कुछ है टूरिंग टाइप की वाइजर जो आप इस बाइक में लगा सकते हैं, या फिर कोई भी होंडा टीवी सीरीज़ की कोई भी बाइक में लगा सकते हैं। नकल गार्ड मिल जाती है, इंजन गार्ड मिल जाती है, और नीचे बैक प्लेट भी मिल जाती है, पीछे बैक रेस्ट भी मिल जाता है, और उसके साथ और भी बहुत सारे एक्सेसरीज इस बाइक में मिलता है। और अगर ओवरऑल प्राइसिंग की भी बात किया जाए तो सभी एक्सेसरीज़ की प्राइसिंग भी बहुत अच्छा खासा है। अभी बात करते हैं ओवरऑल फिट एंड फिनिश, कलर्स और बाकी सारे चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ कम दिया गया है जो बाकी सारे सीवी मॉडल में है लेकिन इस बाइक में नहीं है, वो है मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई भी पोर्ट इस बाइक में अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन सीवी 350 या फिर हाइनेस 350 में ये चीज़ मिल जाती है। तो वो अगर इस बाइक में दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन शायद स्पोर्टी लुक को बरकरार रखने के लिए उस चीज़ को हटाया गया है। बाकी सारे बाइक में मिलती है डुअल हॉर्न, तो वो भी शायद देना चाहिए था। सीट तो सिंगल यूनिट मिल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही वाइड भी है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो ये होंडा की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा, और वही चीज़ इस बाइक में भी है। कलर को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रीमियम कलर के साथ आती है, और अगर आप ठीक से मेंटेन करेंगे तो इसमें कोई भी खराबी नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट एक राइड हुआ था होंडा की तरफ से जिसमें ये सब बाइक हम लोगों ने चलाया था, और यहाँ पे सब बाइक का एक्सपीरियंस भी करने को मिला था लगभग 300 किलोमीटर्स के लिए। तो ये सब बाइक में जो इंजन है वो तो सेम ही है, मतलब तीनों ही सीवी सीरीज़ की बाइक में। तो ये इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, साउंड भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है जो आप कुछ टाइम पहले आपने सुना। प्राइसिंग की अगर बात किया जाए तो DLX मॉडल के लिए इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है वो है 2,40,000 रुपीज़ लगभग, और जो टॉप एंड मॉडल है वो मिल जाती है 2,19,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस के साथ। मतलब यहाँ पे सारे मॉडल में कोई भी इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी कुछ अलग पैसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना है, जो प्राइसिंग गैप है वो बहुत ही कम है। और अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर कुछ बोलना चाहते हैं इस बाइक के बारे में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये बाइक अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही बहुत सारे बाइक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में।